अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये घर में कैपो कैसे बनाएं। जैसे कि आपको पता है आजकल कोरोना वायरस की वबा चल रही है, तो इसमें अक्सर लोगों का कैपो टूट गया, तो मेरा भी कैपो टूट गया हुआ है, तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ये बहुत आसान तरीका है घर में बनाने का। ये रबर बैंड लें, जो आम रबर बैंड होते हैं ये, और आपको एक पेन की ज़रूरत है बस। और सपोज डेट मुझे ये लगाना है कैपो सेकेंड थ्रेड पे। तो अभी क्या करें, ये सेकंड थ्रेड पे लगाएं और इसको क्या कहते हैं, ये पीछे से इतना रबर बैंड चढ़ा दें। ये देखें जिस तरह अभी मैंने चढ़ाया हुआ है रबर बैंड, ये आपको इसकी आवाज़ से पता चल रहा होगा कि ये अभी क्या कहते हैं फुल टाइट नहीं हुआ, इसलिए आप और रबर बैंड चढ़ाएंगे उसके ऊपर। इसको और ज़रूरत है उसकी रबर बैंड की, और रबर बैंड चढ़ाते जाएं जब तक वो नहीं होता, लेकिन थोड़े टेक्निक से चढ़ाएं। ये ना हो कि आप लोग कुंजली डाल दें सारा उसका। ये देखें जी, ये अब क्या कहते हैं सेकंड थ्रेड पे मेरा वो बांध भी गया कैप। ये ये बिल्कुल आसान तरीका है। अब इस पर आप लोग स्ट्रमिंग भी कर सकते हैं बड़े आसानी से। या इस पर फिंगर स्टाइल भी हो सकता है। कैपो हो सकता है आप लोगों के थ्रेड बोर्ड पर ये कैपो काम ना करे, तो उसके लिए आप लोग इस्तेमाल करें जो ये सॉफ्ट पेन नहीं होते, जिस जो के कहते हैं थोड़े से फ्लेक्सिबल भी होते हैं, उस तरह के पेन इस्तेमाल करें, वो आपके लिए बेस्ट होंगे। ये बेस्ट तरीका है इन दिनों में ये कैपो बनाने का। थैंक्स फॉर वॉचिंग।